बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी? आज हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ जी। आधा किलो हमने चिकन ले लिया है, एक अदद हमने टमाटर लिया है, 10-15 जो है मैंने लहसुन के लिए हैं, 3 अदद मैंने ये ले लिए हैं प्याज, जिनको मैंने काट लिया स्लाइस में, और थोड़ी सी हमें क्रीम चाहिए जी। पैन में ऑयल गर्म करें और प्याज डाल दें। ये प्याज हल्के से पिंक हो जाते हैं तो अब इसमें लहसुन भी डालते हैं। अब इसको हल्का सा कट करना। ये प्याज बिल्कुल नरम हो गए, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद 10 मिनट तक इसको फ्राई कर लें हल्की आंच पे जी। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हमने 1 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, और 1 चम्मच हमने नमक लिया है। मसाले आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और 2 हरी मिर्चों को काट कर इसमें डाल देंगे। अब फिर धीमी आंच पर 1/2 कप पानी डालकर इसको हम दम पे रखेंगे। जी हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और दम पर रखेंगे। जी चिकन बिल्कुल तैयार है, अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। जी मज़ेदार क्रीमी चिकन तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।